हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गेट। माय नेम इज़ प्रांजलि और हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 7, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अप टू 28 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम स्टार्ट करेंगे 29th का क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको रिवाइज कर लेती हूँ अभी तक हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो हमने देखा था अगर एक स्ट्रेट वायर है जिसमें आई एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो किसी भी आर डिस्टेंस पे उस वायर से एक पॉइंट पी है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ (2i). जितना करंट फ्लो हो रहा है उसका 2 times अपॉन 4πr। ये जो आर है यहाँ पे, ये क्या है? डिस्टेंस। बेसिकली ये क्या है? डिस्टेंस। उस वायर से कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी। अब इसकी डायरेक्शन की बात आती है तो वो निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। जो करंट की डायरेक्शन होगी उस साइड हमने अपना थंब पॉइंट आउट करना है जैसे ये, और फिंगर उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करनी है जहाँ पे वो पॉइंट है, दैट इज़ ये पॉइंट इस साइड है। तो जो हमारा पाम होगा जिस डायरेक्शन के साथ 90° एंगल बनाएगा, वही डायरेक्शन हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दैट इज़ इनवर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक कॉइल की, एक सर्कुलर कॉइल की जो n नंबर ऑफ टर्न से मिलकर बना है वो सर्कुलर कॉइल। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम सेंटर पे निकालते हैं बेसिकली। तो सेंटर पे निकलती है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय i अपॉन 2r। ठीक है, ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस n, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पूरे कॉइल में, इंटू आई कितना करंट फ्लो हो रहा है, अपॉन 2r। ठीक है, ये क्या है? सेंटर। अब इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की मदद से। हमें क्या करना है? जिस पॉइंट पे करंट फ्लो हो रहा है, पहले करंट की डायरेक्शन लेट सपोज ये है, करंट की डायरेक्शन क्या है? ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट ये है। अब जिस पॉइंट पे वो हमें मैग्नेटिक फील्ड आया उस साइड हम अपने फिंगर्स रखेंगे। तो ऐसे रख दिया मैंने, ये पॉइंट है मेरा ओ पॉइंट, लेट सपोज यहाँ पे निकालना, तो पॉइंट रख दिया। अब अपने फिंगर्स को क्या करेंगे? कर्ल करेंगे। अब कर्ल करने का ये वाला डायरेक्शन आया, तो कर्ल करेंगे जब, तो वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेंगे वो डायरेक्शन क्या होगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दैट इज आउटवर्ड ले लिया। ठीक है, ये तो था। अब सोलेनॉइड की बात करते हैं, तो लेट सपोज इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स ही हैं इस सोलेनॉइड में, यहाँ पे भी n नंबर ऑफ टर्न्स थी, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आती है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एन आई। यहाँ पे जो n है और जो यहाँ पे n है उसमें डिफरेंस ये होता है, ये n है नंबर ऑफ टोटल टर्न्स कितनी है, और ये n है एक यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक यूनिट लेंथ में क्या है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हमने ये देखा। अब हमने एक और टर्म इसके आगे पढ़ी थी कि हम अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूवमेंट करता है तो उसमें कितना फोर्स लगेगा। लेट सपोज ये क्या है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है या फिर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज क्या है? मूवमेंट कर रहा है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूवमेंट करेगा तो वो हमेशा एक सर्कुलर ट्रैक फॉलो करने की कोशिश करता है। क्या करता है? वो एक सर्कुलर ट्रैक फॉलो करने की कोशिश करता है। ये सर्कुलर ट्रैक तभी फॉलो कर सकेगा जब इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा? अंदर लग रहा होगा, तभी ये क्या करेगा? एक सर्कुलर ट्रैक फॉलो करने की कोशिश करेगा, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स लग गया। तो फोर्स बेसिकली क्या लगता है? एक मैग्नेटिक फोर्स एक पर्टिकुलर चार्ज में, जो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा है वो होता है क्यू। उस चार्ज पे कितना, उस पर्टिकुलर पार्टिकल में कितना चार्ज है वी, कितनी वेलोसिटी से वो मूवमेंट कर रहा है बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड की मदद से। तो हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड की ये तीन फिंगर्स की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाली जो मिडिल फिंगर होगी हमारी करंट की डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी। ये वाली जो फिंगर होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी, और थंब जो फिंगर होगी वो हमारी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो ये तीनों क्या करेंगे? हम तीनों अलग अलग एक्सिस में पॉइंट आउट करेंगे, दैट इज एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस। लेट सपोज ये मैंने ऐसे रख दिया, तो ये क्या इनवर्ड है, दैट इज ये वाली एक्सिस को बता रहा है। ये क्या
एक्स एक्सिस को बता रहा है और ये क्या वाई एक्सिस, तो ये क्या हमारी जेड एक्सिस, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू वी भी हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है, तब हम वेलोसिटी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा। ठीक है, ये तो बात हो गई। हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू वी बी के इक्वल, एम वी वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू वी बी के इक्वल, वी से एक वी कैंसिल आउट, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमारा हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम वी अपॉन क्यू बी। ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब वो मूवमेंट तो कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी कुछ, काइनेटिक एनर्जी हमें पता होती है वो होती है 1/2 mv2। तो इस वाले फॉर्मूले से हम m की v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस वाले फॉर्मूले से हमारी v की क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज v इज इक्वल्स टू 2ke अपॉन m अंडर रूट। तो r क्या आ जाएगा, तो r की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, m को लिख देते हैं अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m, v हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2ke अपॉन अंडर रूट m और qb, अंडर रूट m से अंडर रूट m कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2ke इंटू m अपॉन qb। ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया। अगर वही पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा है वो एक्सेलरेट कर गया v पोटेंशियल के साथ, ये क्या है पोटेंशियल, v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर गया, तब जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है चार्ज टाइम्स दैट पोटेंशियल, जितना चार्ज है उस पर मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, कितने पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब मैंने क्या बोला था, कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, दैट इज 2πr कवर करेगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा उसका, टाइम पीरियड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2πr सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन स्पीड कितना है हमारा v, जो हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो गया। तो हम यहाँ से टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक हमने इतने ही फॉर्मूले पढ़े थे, अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे, अब हम आगे के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, हम 28 तक कर दिया था, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 29। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, उसकी स्पीड है 3×10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड और मैग्नेटिक फील्ड है 0.50 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये क्या होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी इसकी यूनिट है, दैट इज टेस्ला ले सकते हैं हम इसको। तो वो मूवमेंट कर रहा है। अब हमें बोला गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो रेडियस हमने पढ़ा था, रेडियस होता है mv upon qb। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 9.1×10⁻³¹ kgs। v होता है हमारा, v हमें गिवन है, दैट इज 3×10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। q हम पे चार्ज होता है 1.6×10⁻¹⁹ और b है हमारा 0.50 टेस्ला। पॉइंट रिमूव, ये वाला पॉइंट रिमूव, तो ये पॉइंट रिमूव, ये वाला पॉइंट रिमूव, तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 100, तो 52 जा 100। ठीक है, ये आ गया हमारा 28 जा 60। तो रेडियस कितना आ गया हमारा, दैट इज 91×3/8×10⁻³¹+7 और −19। ये कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 10⁻⁵। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 34×10⁻³ मीटर। ठीक है, दैट इज 0.34 mm। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट कि हमारी कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, दैट इज 1/2 mv2। हम ये कैसे निकाल सकते हैं, अगर v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती, ev। पर v पोटेंशियल हमें दिया नहीं गया, तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, दैट इज 1/2 mv2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 m, कितना है 9.1×10⁻³¹ kgs।
वी कितना है हमारा, 3 × 10⁻⁷, दैट इज 9 × 10⁴ स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.1 × 10⁻⁙ जूल, 4.1 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 14, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है दैट इज 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 9 × 10⁻⁵ टेस्ला। हमें बोला गया है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी स्पीड के साथ वो चल रहा है, तो स्पीड निकालने के लिए हमें वी निकालना है हमें। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी दैट इज 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1.6 × 10⁻⁹, तो ये कितना हो जाएगा 40 × 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ठीक है, हमने ये निकालते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² की ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है 1/2 mv², तो यहाँ से जो v आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 2k upon m under root, k कितना आ गया हमारा, दैट इज 40 × 1.6 × 10⁻⁹, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 9.1 × 10⁻³ को ऊपर ले जाकर ये हो जाएगा 10⁻³, ठीक है, पॉइंट रिमूव, यहाँ पे भी एक पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा रिमूव हो जाएगा, 3.75 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया। सेकेंड पार्ट है हमारा कि उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो उसने पाथ फॉलो किया है उसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, m क्या था हमारा 9.1 × 10⁻³, v कितना आया हमारा 3.75 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, q हमें पता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 1.6 × 10⁻⁹, और b हमें गिवन है दैट इज 9 × 10⁻⁵ टेस्ला, हमारा आ जाएगा 23.7 × 10⁻², 23.7 × 10⁻², दैट इज 23.7 cm, 23.7 cm। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 31। हमें बोला गया एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और टाइम दे रखा है कि उसने एक सर्कुलर ऑर्बिट 1 μs में क्या कर लिया है, कवर अप कर लिया है, तो हमें बोला गया मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो देखिए इसमें हमें कुछ और गिवन नहीं, हमें सिर्फ गिवन है 1 μs, दैट इज 1 × 10⁶ सेकेंड, 1 × 10⁶ सेकेंड। अब टाइम पीरियड की मदद से हमें बी निकालना, टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, दैट इज कितना सर्कुलर ऑर्बिट में कितना डिस्टेंस कवर अप किया होगा उसने, तो सर्कमफेरेंस के इक्वल दैट इज 2πr, और कितनी वेलोसिटी से मूव किया तो वी, तो यहाँ से जो हमारा आर अपॉन वी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज 10⁶ / 2 × 3.14, ठीक है, ये आ गया हमारा आर अपॉन वी का रेशियो, ये तो हमें निकाल, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होता है हमारा, दैट इज mv/qb, ये v क्या चल गया मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया, ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा rv/mqb, यहाँ से जो मेरा b होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगी, दैट इज mv/rq, यही तो हो जाएगी mv/rq, तो m कितना होता है मास ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 × 10⁻³ kgs, q कितना होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹। अब ये क्या है r/v, हमें r/v की वैल्यू मिली थी, v/r की नहीं मिली थी, तो यहाँ से जो v/r की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल, 2 × 3.14,
अपॉन 10^6, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3.14 अपॉन 10^6, तो 1.6 ये दोनों पॉइंट रिमूव हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 × 8 = 16, 3.53 × 10^-5 टेस्ला, 3.53 × 10^-5 टेस्ला, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दिख रहा होगा हमें एक फिगर गिवन है, हमें कुछ ऐसा गिवन है, ये क्या है हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर, दैट इज ये एक सेमी सर्कल है, ये हम कंप्लीट करेंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस कितना है सर्कल का 5 सेंटीमीटर, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का। अब हमें बोला गया ये जो पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये 10^7 m/s की स्पीड से क्या चल रहा है, चल रहा है, हमें इसको ए पोजीशन से बी पोजीशन में पहुंचाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमें ये पूछा गया। तो देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें फोर्स पढ़ा था, फोर्स क्या होता है mv² / r, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, किसके इक्वल आता है qvb के, क्या आता है qvb के, हम यहाँ पे साइन थीटा नहीं लेंगे क्योंकि हमें वी और बी के बीच का एंगल नहीं पता है, तो हमने क्या ले लिया, वो दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, तो हमने डायरेक्शन बी का बता दिया, बी का डायरेक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी के भी तो वो परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स जो आप लेना, ठीक है, ये हमने कर दिया, तो वी से वी कैंसिल आउट हो गया, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, दैट इज mv/qr, b की वैल्यू कितनी आ गई mv/qr, तो b कितना हो जाएगा, m कितना है 9.1 × 10^-31 kg, v कितना है हमारा 10^7 m/s, q कितना हो गया हमारा 1.6 × 10^-19, और r कितना हमारा 10 सेंटीमीटर है, r कितना हमारा 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.05 मीटर, डिवाइड बाय 100 तो करना है तो जाएगा हमारा 0.05 मीटर, पॉइंट रिमूव तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट भी रिमूव हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी रिमूव हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 2 = 10 और ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 18 × 20 × अब 10^-31 इंटू 10^7 दैट इज 10^-24, ये कितना हो जाएगा 10^-24, -19 ऊपर जाके हो जाएगा +19 और नीचे कितना बचा हुआ हमारा दैट इज 16, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.12 × 10^-3 टेस्ला, 1.12 × 10^-3 टेस्ला, ठीक है, यहाँ तक। सेकेंड पार्ट हमें बोला गया टाइम पीरियड कितना लगेगा उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, टाइम पीरियड कितना लगेगा दैट इज 2πr/v, टोटल डिस्टेंस इतना कवर अप करेगा, स्पीड इतनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा दैट इज 2 × 3.14, रेडियस है हमारा 0.05 और वी वेलोसिटी हमारी 10^7, दैट इज ऊपर जाके हो जाएगा 10^-7, पॉइंट रिमूव तो नीचे कितना आ जाएगा 10^4, ये वाला पॉइंट भी जब हम रिमूव करेंगे, ठीक है, 10^4 आ गया, तो 5 × 2 = हो जाएगा हमारा 10, 10 × 314 × 10^-7 और -4 दैट इज 10^-11, अब 314 × 10 दैट इज 3140 × 10^-11 सेकेंड, 3140 × 10^-11 सेकेंड, जो हमारा ये पोर्शन आया ये हमें बोला गया था कि सेमी सर्कल कंप्लीट करने में क्या लगेगा, ये तो हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट करने में इतना टाइम लगे, सेमी सर्कल क्या होगा डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सेमी सर्कल कंप्लीट करने में, दैट इज 3140 / 2 × 10^-11, तो जगह 2 × 1 = 2, 11 × 2 = 10, 2 × 7 = 14, 0 × 10^-11, दैट इज 1570 × 10^-11 सेकेंड। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 32।
हमें बोला गया एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, और तीनों की काइनेटिक एनर्जीज क्या है, सेम है, दैट इज स्केल एड कर लेते हैं, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में तीनों एंटर कर रहे हैं, तो तीनों क्या होगा, तीनों की मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी, ठीक है। अब हमें बोला गया इनकी रेडियाई को कंपेयर करना है, तो रेडियाई कैसे फाइंड आउट करते हैं सर्कुलर पाथ की, तो प्रोटॉन के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो वो होते हैं हमारे एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, यही होता है। एम वी क्या हो जाएगा, इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि हमें बोला गया काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों की, तीनों की सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा 1/2 एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। बी हमें पता है सेम है, क्यू हमें पता है इन तीनों का वेरी करेगा, मास हमें पता है वेरी करेगा। अब बात आती है वी की, हमें वी नहीं पता किस वेलोसिटी से फेंका गया, तो हम इंडिविजुअल तीनों का वी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो वी की वैल्यू आएगी प्रोटॉन के लिए या फिर न्यूट्रॉन के लिए या फिर अल्फा के लिए, वो कितनी आ जाएगी हमारी 2k/m, √2k/m। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगी, रेडियाई एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए तो हो जाएगी m √m into √m, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। v कितना हो जाएगा हमारा √2k/√m और अपॉन qb, तो √m से √m कैंसिल आउट हो गया, तो रेडियस हो गया हमारा किसी भी एक अल्फा पार्टिकल का इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर काइनेटिक एनर्जी, वो हो गया हमारा √2km/qb, ठीक है, ये था। अब बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में चार्ज होता है, मैंने ले लिया E, प्रोटॉन में चार्ज होता है E और प्रोटॉन का मास ले लिया मैंने M। वहीं अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन में भी उतना ही चार्ज होता है जितना हमारे एक प्रोटॉन में होगा, दैट इज E, लेकिन मास क्या हो जाता है, मास हमारा दुगना हो जाता है, दैट इज 2m। वहीं अल्फा पार्टिकल में एक इलेक्ट्रॉन से दुगना चार्ज होता है, दैट इज इसमें कितना चार्ज होगा 2e, और मास कितना होता है 4 गुना होता है, दैट इज 4m, ठीक है। प्रोटॉन में क्या है em, न्यूट्रॉन में e और 2m दुगना हो गया, और यहाँ पे चार्ज दुगना मास दुगना, दैट इज 2m, ये 4m, ये e, ये 2e हो गया, तो r स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये जाएगा हमारा 2km/q²b², ये तो एक पार्टिकल के लिए था। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए कितना रेडियाई आ जाएगा हमारा, रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा प्रोटॉन के, दैट इज √r²=2, k क्या है, k एज इट इज, m क्या है मास, m है हमारा, q स्क्वायर वो क्या हो जाएगा हमारा e स्क्वायर, और b तो सबके लिए सेम है, दैट इज b स्क्वायर, ये क्या है प्रोटॉन के लिए रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं √r²², दैट इज 2, k तो इसके लिए भी k ही है, मास कितना हो गया 2 गुना 2m अपॉन चार्ज e स्क्वायर, और b क्या है एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें तो दैट इज b स्क्वायर। अब अल्फा पार्टिकल का दैट इज r अल्फा का स्क्वायर, दैट इज 2k, मास कितना हो गया 4m अपॉन e स्क्वायर, दैट इज 2e का स्क्वायर, दैट इज 4e² 2e का होल स्क्वायर करेंगे तो 4e², मास कितना है 4m, मास यहां पे आएगा हमारा b². इन तीनों को कंपेयर करना है तो मैं कंपेयर कर देती हूं, दैट इज मैंने क्या कर दिया √rp² / √rd² / √rα² तो तीनों में 2k कैंसिल आउट हो जाएंगे, e square कैंसिल आउट, b square कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना है m कैंसिल आउट, यहाँ पे भी m कैंसिल आउट, यहाँ पे भी m कैंसिल, बचा कितना, यहाँ पे बचा 1, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा मेरा, दैट इज √rd² बचा मेरा 2, अंडर रूट यहाँ पे कितना बचा 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 1, ये क्या था, ये तो स्क्वायर था, अब मैं क्या कर दूंगी अंडर रूट कर दूंगी, तो √rd → √rα क्या हो जाएगा 1/√2/1, दैट इज आरपी और आर अल्फा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय प्रोटॉन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय अल्फा पार्टिकल, दोनों क्या है सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, लेकिन ये √2 हो गया, दैट इज √rp/rd, दैट इज 1/√2,
तो आर डी क्या है मेरा? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय ड्यूट्रॉन है रूट टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय प्रोटॉन इज इक्वल्स टू रूट टू आर अल्फा। ये क्या है, हमने उनकी रेडियस को कंपेयर करते हैं, उनकी रेडियाई को कंपेयर करते हैं। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया एक प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है, अर्थ के इक्वेटर पे, अर्थ के इक्वेटर में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो मूवमेंट कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के क्या कर रहा है चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है, उसकी वेलोसिटी है 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है हमें, रेडियस ऑफ अर्थ है हमारा 6.4 × 10⁶ मीटर। ठीक है, तो हमें बोला गया कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगी, तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू वी बी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, व्हेन वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट इज साइन थीटा एंगल बनेगा, तो वो क्या होगा वी की जो डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वो क्या कर रहा होगा चल रहा होगा, और यहाँ से हम वी कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज वी से वी कैंसिल आउट, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू आर, सॉरी एम कितना हो जाएगा प्रोटॉन के लिए दैट इज 1.767 × 10⁻², वी हो जाएगा मेरा 1 × 10⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ और 6.4 × 10⁶ 1.7 × 10⁸ टेस्ला। ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब वो प्रोटॉन क्या कर रहा है अर्थ के अराउंड मूवमेंट अपनी कर रहा है, तो अर्थ के इक्वेटर पे, अर्थ के क्या है इक्वेटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा 1.7 × 10⁻¹⁸ टेस्ला, वो भी क्या होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर दैट इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला।